अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आज ठीक हो? उम्मीद है आप सब खरे दिनों। दोस्तों मैं तो अपने फील्ड के नाथ खान नकीब खतीब पूरा हजरात दिनों को गुजारिश करने वास्ते हाजिर होया जी। खास तौर पर जो नाथ खान हज या पांच बुलियन एक जैसे नहीं, हर बंदे की गल नहीं, लेकिन जो नाथ खान बिन बुलाए महफिल तक पहुँच जाते हैं जी, इन्हें तो मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी फरमाओ को अपनी इज्जत का भी ख्याल करो तो दूसरों की इज्जत ख्याल करो, क्योंकि थोड़े जै नाथ खान की थोड़े लोगों की वजह तो यह फील्ड बड़ी अच्छी फील्ड है, लेकिन बदनाम बहुत ज़्यादा है सिर्फ थोड़े के लोगों की वजह तो। ठीक हो कि तुम बिन बुलाए पहुँच जाते हो, तो कोई अगर मुहब्बत ना प्यार हो तो बुलावे सुझाओ जी बिस्मिल्लाह, दिल ना हाजिरी बेलौस हो तो हाजिरी पेश करो। ठीक है, अगर कोई तुम नहीं बुलाता तो मुड़ एवें तरले करा दे तो जनाब गोडिया तो गिटियां दी, तो एवं जनाब दो मिनट दे दो तो चार मिनट दे दो तो पाँच मिनट दे दो मुख्तसर हाजिरी पेश करो, एवं तरले लवन की मुड़ मेरे भाई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि रिज़्क तो जिम्मा तो मेरे मालिक लिया भाईजन, उस रिज़्क देवना सदका महबूब का, उस रोज़ी देवनी अपन तो तुंत देवनी भाजन, टेंशन नहीं लवनी। ठीक है, जो कोई तो सदे बराए मेहरबानी बिन बुलाए महफिल से ना गया करो। जो बानी महफिल तो पता लगता जी फलाना बानी महफिल महफिल करवा रहे, तुम घर पहुँच जाते हो, मुड़ जी तुम उन मिन्नत कर दो मुड़ सिर पर झा दें, जो बानी महफिल की है वास्ते रोजी दस रही है, जो थोड़े रिज़्क बंद करके बैठे या वो बानी महफिल तुम रिज़्क दे रहे हैं, तुम इन सिर पर झाड़ लेंगे हो, किसी को सिर पर चढ़ाने की जरूरत कोई नहीं, किसी की मिन्नत करने की जरूरत कोई नहीं, किसी के तरले करने की बिल्कुल जरूरत कोई नहीं भाजन। ठीक है, जिन बानी की महफिल की तुम जाके मिन्नत कर दो भाई सू दो चार मिनट दे दो, वो तो शुद्ध आप किसी से मुहताज है, वो तो अगर जाके मिन्नत कर दें वे नाथ खाना जो लख लख लेंगे डेढ़ डाख लेंगे उन्हें महफिल सिर्फ कराने मकसद यही होंगे साढ़ा नाम वजे लोगों को पता चले भी फलानी कौम के फलाने बंदे मियाँ लख रुपये वाला नाथ खां सदे तो डेढ़ लाख वाला मियाँ फलाने बंदे खतीब छड़े, उन्होंने सिर्फ यह मिशन होंगे। अगर रब की रजा की खातर महफिल करावे तो फरी वाला नाथ खां सड़ के भी हजूर की सुना खानी हो सकती है, वो नाथ शरीफ सुन सकते हैं, लेकिन उन्होंने यह ध्यान नहीं होंगे, उन्होंने सिर्फ बस अपने नाँ के झंडे गिरने होंगे बस साढ़ा नाँ वजे योजा बानी है महफिल जड़े ना उन्होंने सिर तो ना चढ़ाया, कोई नहीं अपने रोजे देते बैठे ना अपने वास्ते कुछ भी कोई नहीं। अस मुड़ शेर पढ़ने जी मंगते मदनी लजपाल दे, सू कतर नकामी नहीं होंगी, कुशामा दुनियादारा की दमी शामी नहीं होंगी, खावीए अपने आके गीत गावी गहर के इस मूँह तो मिट्टी आवनी सत नमक हरामी नहीं होंगी, सदका नबी का और रिज़्क जो भी है नसीब का वह सू मिलना। ठीक हो गया, दस महफिल जगह तो हेक पढ़ लो पर वजन इज्जत अली पढ़ो, धर्म अली पढ़ो, जिते लोग तुम इज्जत न बुलावे उत्थे जाओ, बेघर में हो कि महफिल जावन का फायदा कोई नहीं, बेघर में हो किसी के प्रोग्राम से जावन का फायदा कोई नहीं। कोई एक बंदा आख दे मैं कभी किसी बंदे दे प्रोग्राम से बिन बुलाए गए हूँ, खास तौर अगर मेरे इलाके मैं कोई वीडियो अगर मेरे इलाके वेख रहे तो कोई एक बंदा दस दे कि मैं कभी किसी की महफिल से बिन बुलाए गए ना गया और ना जावन है, इतने मुहब्बत ना लोग बुलाएं उत्थे नौकरी पेश करनी होंगी, उत्थे जावन होते सानू किसी के तरले लवन जरूरत कोई नहीं, बीज की नात मिन्नत तरले नाल नहीं सुनाते, एडी सस्ती ना बीज की नात नहीं, लिहाजा थोड़ी मेहरबानी करो जो बिन बुलाए नाथ खां जाते हो ये भी मेहरबानी करो कि बिन बुलाए बगैर इतला तू एवें ना गया करो, अपनी इज्जत भी ख्याल करो दूसरी इज्जत भी ख्याल करो, बड़ी मेहरबानी।